सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन का जो सीरीज़ है, ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसके पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे तो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके पहले हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, आपके लिए समझने के लिए इजी रहेगा। तो पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था ऑप्शन ग्रीक्स के डेल्टा के ऊपर, ठीक है, तो हमने देखा था कि डेल्टा ऑप्शन को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे डेल्टा की वजह से ऑप्शन का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ये हमने देखा था। तो आज हम समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि कमेंट करने के लिए, तो एक कमेंट आया था जिसमें मुझे बताया गया था कि सर नेक्स्ट वीडियो गामा पे बनाएं, तो मैंने गामा पे आज का वीडियो बनाया। तो चलिए देखते हैं कि गामा है क्या और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले गामा क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। हमने तो ये समझा था कि निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है एग्ज़ाम्पल के लिए 11,000, तो 11,000 के स्ट्राइक प्राइस वाला अगर आप कोई सीई खरीदते हैं आउट ऑफ द मनी का, ओटीएम का सीई खरीदते हैं, 11,300 का सीई आपने ख़रीदा, ये एक ओटीएम है, ओटीएम ऑप्शन है, तो ये वाला 0.2 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा। ये कितना पैसे के हिसाब से बढ़ेगा ये डिसाइड करता है डेल्टा, ठीक है। अब हमारा आज का टॉपिक है गामा, तो ये डेल्टा किस तरह से चेंज होगा ये डिसाइड करता है गामा। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि सेम ही है थोड़ा बहुत, नहीं बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी 11,000 चल रहा है इसका प्राइस, निफ्टी का स्पॉट प्राइस एग्जांपल के तौर पे, निफ्टी का स्पॉट प्राइस 11,000 चल रहा है, आपने 11,300 का सी बाई किया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया 11,200 तक, तो ये फिर भी आउट ऑफ द मनी कॉल ही है ये, तो इसका जो प्रीमियम है वो पर 1 रुपीस के चेंज पे 0.2 के हिसाब से बढ़ेगा, 0.20 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा। इसका मतलब ये डिसाइड करता है डेल्टा, 0.20 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा, कितने पैसे के हिसाब से प्रीमियम बढ़ेगा अगर स्पॉट प्राइस में 1 रुपये का फ़र्क आता है। ये स्पॉट प्राइस इतने 11,000 से 11,200 हुआ, तो इसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल ख़रीदा, तो वो 100 रुपीज़ से कितना बढ़ेगा, कितना इंक्रीज होगा, वो डिसाइड करता है डेल्टा। अब आता है गामा पे, वही मार्केट ने एक और 100 पॉइंट का अप ट्रेंड दिखाया, मतलब मार्केट 11,300 चला गया एंड आपका कॉल भी था 11,300। अब ये ओटीएम से कन्वर्ट होके एटीएम बन गया, यानी कि एट द मनी बन गया। तो आप अगर आप अभी कैलकुलेट करेंगे तो आप सोचेंगे ये 300 पॉइंट ऊपर गया, 300 इंटू 0.20 ये होता है 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एटीएम बन चुका है, अब डेल्टा अब 0.20 पैसे के हिसाब से पर स्पॉट प्राइस के 1 रुपीज़ चेंज पे 0.20 पैसे के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, अब डेल्टा बढ़ेगा 0.50 पैसे के हिसाब से। वही अब डेल्टा कितने पॉइंट के हिसाब से डेल्टा का प्रीमियम स्पॉट प्राइस के 1 रुपीज़ मूवमेंट पे, प्रीमियम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो डिसाइड करता है गामा। मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इंडिया में अगर आप 1 रुपये में क्या ख़रीद सकते हैं, एक ट्रॉफ़ी ख़रीद सकते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं, एक ट्रॉफ़ी ख़रीद लिया आप। लेकिन वही आप $1 में कितने क्या ख़रीद सकते हैं,
एक डॉलर का रेट अभी 75 चल रहा है, तो आप 75 ट्रॉफीज खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका करेंसी स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप कितने कम पैसों में, कितने ज़्यादा, कितने कम पैसों में आप कितना ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, ये डिसाइड करता है कि ये करेंसी स्ट्रांग कितना है, ठीक है। अब ये करेंसी कितना स्ट्रांग है ये डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन का रेट कितना है, यानी कि महंगाई जो हर साल बढ़ता रहता है, जो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6% या फिर 8% के हिसाब से बढ़ता है, वो कितना, उसका रेट कितना है, उसके हिसाब से ये करेंसी कितना स्ट्रांग है वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो है प्रीमियम का प्राइस, ध्यान से समझना, ये है प्रीमियम का प्राइस। एंड ये जो करेंसी है, हम इसे डॉलर मान लेते हैं, तो ये जो करेंसी है ये करेंसी है डेल्टा, यानी कि कितना क्वांटिटी आप ले सकते हैं ये डिसाइड होगा डेल्टा पे, यानी कि प्रीमियम का प्राइस कितना ऊपर नीचे होगा ये डिसाइड करेगा डेल्टा। अब डेल्टा का प्राइस कितना स्ट्रांग होगा ये डिसाइड करेगा गामा, यानी कि करेंसी कितना स्ट्रांग होगा ये डिसाइड करेगा इन्फ्लेशन का जो रेट है वो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही, जितना हो सके मैंने उतना इजीएस्ट वे में आपको समझाया है। तो बस यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन से ग्राफ्स पे बनाऊँ, वेगा पे बनाऊँ या फिर थीटा पे बनाऊँ, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपको बिजनेस केस स्टडीज़, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे आएंगे, सारी चीज़ें आएंगे। बहुत ही नॉलेजेबल चैनल है, नया चैनल है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।